Hello, welcome on my channel. Please don't forget to subscribe my channel. तो आज हम बनाना सीख रहे हैं पर्ल टैसल इयररिंग्स। पर्ल इयररिंग बनाने के लिए सबसे पहले आपको एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को कार्डबोर्ड पे रोल करना है एंड देन उसके सेंटर से उसको कट कर देना है। जिस तरीके से आप वीडियो में देख रहे हैं सेम फॉलो करें और फिर उन सबको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें। जितने टैसल्स अपने को चाहिए उस अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 8 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया है। मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कलर यूज़ में ले रही हूँ, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी कलर ले सकते हैं। आपको सेम इसी तरीके से ब्लू, जैसे मैंने ब्लू कलर के थ्रेड से नॉटिंग कर रही हूँ, आपको सेम उसी तरीके से नॉटिंग करनी है। नॉटिंग करने के बाद एक्स्ट्रा थ्रेड काट दीजिए। उसके बाद में टैसल को फिनिशिंग देने के लिए आप सीजर से जितने भी आपको एक्स्ट्रा थ्रेड दिख रहे हैं सब काट दीजिए। यहाँ पे आपके टैसल्स बन के रेडी है। आपको नॉटिंग बिल्कुल अच्छे से करनी है ताकि टैसल्स खुले नहीं। टैसल्स की फिनिशिंग देखने के लिए आप मेरा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आपको मेटल की रिंग लेनी है और उसको थोड़ा सा ओपन करना है। वो आप प्लगर से या हाथ से किसी की भी मदद से कर सकते हो। अब आपको टैसल को इस रिंग से अटैच करना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे टैसल सब रेडी है रिंग के साथ। सेम यही प्रोसेस फॉलो करना है सारे टैसल्स के साथ में। आपको रिंग ओपन ही रखनी है। हमारे सारे टैसल्स रेडी है रिंग के साथ में। अब आपको सारे टैसल्स को आई पिन की मदद से अटैच कर देना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। सारे टैसल्स के साथ सेम प्रोसेस फॉलो करना है। आपके सारे टैसल्स रेडी है आई पिन के साथ। आपको इयररिंग्स जितने लंबे चाहिए आपको चेन के साइज उस अकॉर्डिंग रखनी है। अब आपको टैसल्स को जिस तरीके से मैं वीडियो में अरेंज कर रही हूँ सेम वही मेथड फॉलो करके अरेंज कर देना है। हमें टैसल्स का बंच दिखाना है इसलिए हमने उस तरीके से उनको अरेंज किया है। आई पिन का लूप बना के मैं उसको अब चेन के साथ अटैच कर रही हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। मैंने प्लकर की मदद से यहाँ पे इसको अटैच किया है। मैंने यहाँ पे गोल्डन बीट लिया है, आप कोई से भी बीट्स ले सकते हैं। आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग कोई से भी कलर का टैसल्स बना सकते हो और उसके अकॉर्डिंग बीट चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सेकंड टैसल लिया है और मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है जो कि फर्स्ट में किया था। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कैसे मैं प्लगर की मदद से सारे टैसल्स को अटैच कर रही हूँ चेन के साथ में। आपको चेन के लूप्स में ही सारे टैसल्स को अटैच करना है। आप अरेंजमेंट अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। बस फ्रेंड्स, ध्यान रखना कि आपका बंच दिखे टैसल्स का। तो यहाँ पे हमारे टैसल इयररिंग्स रेडी हैं। अब आपको फ्रेंड्स लूप अटैच करना है इयररिंग्स में। आपको आई पिन लेके चेन के लूप के अंदर डालना है और फिर प्लगर की मदद से उसको क्लोज कर देना है। अब आपको एक वाइट पर्ल लेना है। मैंने मीडियम साइज लिया है, आप कोई सा भी साइज ले सकते हो, स्मॉल, बिग, लार्ज, जो भी लेना है आपको। अब लूप को क्लोज कर दीजिए एंड देन इयररिंग का लूप डाल दीजिए और फिर से आई पिन का लूप क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे हमारी इयररिंग्स रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।